दोस्तों सभी को जोहार नमस्कार। आज हम पहुंच चुके हैं बिसा पंचायत के शहीद जीतराम बेदिया चौक। यहाँ पे आज हमारे बिसा पंचायत के जयराम बेदिया जी के कोचिंग सेंटर के द्वारा आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। ये जो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, ये शहीद जीतराम बेदिया के शहादत दिवस पे ये मैराथन दौड़ का आयोजन जयराम कोचिंग सेंटर के द्वारा आज हमारे बिसा पंचायत में शहीद जीतराम बेदिया के शहादत दिवस पे आज हमारे बिसा पंचायत में जयराम कोचिंग सेंटर के द्वारा आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। तो देखिए हमारे बीच अभी देखिए दौड़ के आ रहे हैं और अभी जीतराम चौक तक अभी दौड़ के जाएंगे तो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए सबसे आगे देखिए किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे आगे में है, देखिए किस प्रकार से दौड़ के आ रहे हैं उसको आप हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आज हमारे शहीद जीतराम बेदिया 23 अप्रैल के शहादत दिवस पे आज हमारे बिसा पंचायत में आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है जयराम कोचिंग सेंटर के द्वारा। इसके लिए जयराम कोचिंग सेंटर के संचालक जयराम बेदिया जी को बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार का जो हमारे युवाओं और बालिकाओं के लिए ऐसा प्रतिभागियों का ये निखारने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए जयराम बेदिया जी को बहुत बहुत बधाई है। देखिए सबसे आगे निकल चुके हैं, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है स्पीड। देखिए किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, पूरा जोर शोर से अपना जी जान लगा के अभी दौड़ के आ रहे हैं तो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। आज बालक और बालिकाओं के लिए आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है शहीद जीतराम बेदिया के शहादत दिवस पे आज जयराम कोचिंग सेंटर के द्वारा आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। तो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से आज ये दौड़ हो रहा है मैराथन दौड़। देखिए बहुत जी जान से लगा के आप दौड़ रहे हैं, अपने मंजिल को पाने के लिए अभी जोर शोर से अपना जी जान और लगा दिए हैं तो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से दौड़ के आ रहे हैं। दर्जनों की संख्या में सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे देखिए किस प्रकार से एक बंदा यहाँ पे आगे आ रहा है कुछ दौड़ते हुए, तो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से अभी दौड़ के आ रहे हैं, दर्जनों को छोड़ के सबसे आगे निकल गए हैं अभी ये देखिए। आज इसी को सबसे फर्स्ट प्राइज इसी को मिलने वाला है, देखते हैं कौन बाजी मारता है तो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे और पीछे पीछे देखिए गाड़ी अपना झंडा लेके अपना देखते हुए कि कहाँ पहुँचे हैं बालक बालिका उसको देखते हुए आ रहे हैं अपना बाइक में आ रहे हैं। देखिए आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा और आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे पीछे दो चार बालक आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए सबों को छोड़ते हुए सबसे अकेला ही सबसे आगे शेर की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं तो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। स्पीड कर स्पीड देखिए किस प्रकार से अपना जी जान लगा के दौड़ते हुए शहीद जीतराम बेदिया चौक तक ये दौड़ जीतराम चौक तक समाप्त होगा तो वहीं तक दौड़ के अभी आ रहे हैं तो आप लोग को देखिए किस प्रकार से यहाँ पे
देखिए बहुत ही सुंदर, अपना जी जान लगा के अपना दौड़ रहे हैं, इसी को फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है। देखिए किस प्रकार से दौड़ते हुए आए हैं। देखिए दूसरा बंदा अभी पहुंच चुके हैं और देखिए तीसरा बंदा अभी पहुंच चुके हैं, देखिए और उसके पीछे पीछे आए थे, देखिए इधर, और देखिए चौथा बंदा अभी दौड़ते हुए पूरे जी जान लगा के यहाँ पे दौड़ते हुए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, यहीं तक दौड़ के आना है। ये चौथा बंदा है, ये पाँचवा देखिए और छठा देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दौड़ते हुए यहाँ पे आए हैं, और देखिए सातवां बंदा देखिए किस प्रकार से दौड़ते हुए अपना शर्ट को खोल के किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, और पीछे पीछे बहुत सारे अभी आ रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए हमारे वीडियो में। अपना शरीर का जितना भी ताकत है सबको लगाते हुए आज मैराथन दौड़ में अपना ये प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से दौड़ते हुए सभी लोग आ रहे हैं। आज सही जितना में दिया 23 अप्रैल के शहादत दिवस पे आज हमारे हो चुके हैं, और देखिए पीछे पीछे और भी बंदे आ रहे हैं अपना जी जान लगा के दौड़ते हुए। देखिए किस प्रकार से दौड़ते हुए अभी पूरा जी जान लगा के यहाँ पे दौड़ते हुए आ रहे हैं। देखिए पहुँचने वाले हैं, देखिए यहाँ पे अपना लाइन यहाँ पे खींचे हुए यहीं तक आना है, और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से अपना दौड़ते हुए आ रहे हैं। और देखिए और भी ये बंदे दौड़ते हुए आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे अपना ताकत पूरी लगा दिए हैं। ये जो मैराथन दौड़ आज आयोजन किया गया ये जयराम कोचिंग सेंटर के द्वारा आज ये आयोजन किया गया है, इसलिए जयराम कोचिंग सेंटर के संचालक जयराम विद्या जी को बहुत बहुत बधाई है कि ऐसे ही बालक बालिकाओं का प्रतिभा को निकालने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके लिए जयराम विद्या जी को बहुत बहुत बधाई है जो हमारे बिसा पंचायत में ये अच्छा काम कर रहे हैं बालक बालिकाओं के लिए। और देखिए हमारे बिसा पंचायत के ही महेश विद्या जी अपना जी जान लगा के दौड़ते हुए अभी पहुंच चुके हैं, देखिए अभी इसको भी बहुत बधाई है, अपना प्रयास जारी किए हैं, और देखिए किस पर दो बंदे अपने जी जान लगा के अभी पहुंच चुके हैं। देखिए और देखिए हमारे बिसा गांव के ही देखिए बंदा ये अभी दौड़ते हुए अभी पहुंचे हैं, देखिए यहाँ पे और भी बंदे अभी दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए और भी आदमी आ रहे हैं, उसको भी दिखाएंगे अभी, तो बने रहे हमें वीडियो में। देखिए यहाँ पे रोड पे ही यहाँ पे लाइन लगा यहाँ खींचा गया है, तो यहीं तक दौड़ के आना है। और देखिए यहाँ पे बालिका किस प्रकार से दौड़ते हुए अभी पहुँच चुके दो बालिका यहाँ पे, देखिए किस प्रकार से अपना जी जान लगा के यहाँ पे अभी दो बालिका अभी पहुँच चुके हैं, उसको बहुत बहुत बधाई है जो अपना सारा ताकत अपना साल भर का मेहनत अपना दिखा रहे हैं। और देखिए तीसरा बालिका देखिए दौड़ते हुए आज यहाँ पे देखिए पहुँच गई है, देख रही है यहाँ पे ये जो बालिकाओं के लिए जसपुरिया बीएड कॉलेज से यहाँ जितराम चौक तक ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, और बालक के लिए गीतासु चौक से जितराम विद्या चौक ये आज मैराथन दौड़ का ये आयोजन किया गया है। आज बहुत खुशी हुई कि इस प्रकार का ये आयोजन हमारे जयराम विद्या जी करते रहें और हमारे बिसा पंचायत के बालक बालिकाओं का मनोबल को बढ़ाते रहे। और देखिए दो बालिका देखिए किस प्रकार से अपना जी जान लगा के पूरा ताकत लगा के बालिका दौड़ते हुए पहुंचने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से दौड़ते हुए यहाँ पे पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ पे दो बालिका किस प्रकार से दौड़ते हुए यहाँ पे अभी यहाँ पे लाइन खींचा है वहाँ तक दौड़ के आ चुके हैं, और देखिए और भी बालिका यहाँ दौड़ते हुए यहाँ पहुँचने वाले हैं, देखिए किस प्रकार से दौड़ते हुए अभी पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ पे और देखिए इधर भी पहुंच चुके हैं, और छोटी सी बालिका देखिए किस प्रकार से अपना जी जान लगा के दौड़ते हुए अभी यहाँ जितराम चौक तक अपना जी जान लगा के यहाँ पे दौड़ते हुए आ रही है। देखिए छोटी सी बच्ची है लेकिन अपना पूरा प्रयास लगा दिए हैं इस मैराथन दौड़ में। और देखिए हमारे गाँव के ही बिसा पंचायत की बालिका देखिए किस प्रकार से दौड़ते हुए अपना जितराम चौक तक यहाँ पे दौड़ते हुए आई। बालिका बहुत ही प्रयास में लगे हैं, ऐसे मैराथन दौड़ में अपना भाग जोश वोश ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई बालिका के लिए।
और भी देखिए इधर दौड़ते हुए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए और भी बालिका यहाँ पे दौड़ते हुए, छोटे हैं लेकिन अपना सारा ताकत लगाते हुए मैराथन दौड़ में भाग लिए। देखिए अभी पहुँच चुके हैं देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ किस प्रकार से सब थके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अपना बैठ चुके हैं, पूरा जी जान लगा के आज इस मैराथन दौड़ में अपना प्रदर्शन करने का प्रयास किए। देखिए किस प्रकार से सब थक चुके हैं और उसको अभी पानी दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी को पानी दिया जा रहा है ताकि थोड़ा राहत मिले, इसलिए यहाँ पे सभी को पानी दिया गया। आज बिसा पंचायत में आज शहीद जितराम विद्या के शहादत दिवस पे आज हमारे बिसा गांव में जयराम कोचिंग सेंटर द्वारा ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। और सभी बालक बालिका अभी दौड़ के पहुँच चुके हैं और सभी से अपना पर्ची ले रहे हैं और उसको अभी सभी बालक बालिका अभी पहुंच चुके हैं, सभी से पर्ची लिया जा रहा है और पुरस्कार वितरण 23 अप्रैल को किया जाएगा। तो इसलिए सभी का मोबाइल नंबर और अपना पर्ची ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए बालिका सब यहाँ पे खड़ी हैं और इधर देखिए जयराम विद्या जी अपना काम कर रहे हैं और सभी से पर्ची ले रहे हैं। और ये जो भी इसमें बालिका भाग लिए हैं बालक बालिका, उस 23 अप्रैल को जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाए हैं उसको सभी बालक बालिकाओं को 23 अप्रैल के दिन में ये प्राइज सभी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी बालक बालिका आ चुके हैं और सभी से पर्ची दे रहे हैं और सभी का मोबाइल नंबर ले रहे हैं ताकि सूचना करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सभी को यहाँ पे मोबाइल नंबर भी अपना ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए बालक बालिका यहाँ पे सब आ चुकी हैं और यहाँ सभी से अपना पर्ची ले रहे हैं और उसका मोबाइल नंबर उसको मांग रहे हैं। देखिए यहाँ पे जयराम विद्या जी अपना लिख रहे हैं।